लिखो बेटा। एक बक्से में तीन नीली, एक बक्से में तीन नीली, दो सफेद और चार लाल कंचे हैं। है ना, तीन नीली दो सफेद और चार लाल कंचे हैं। यदि यदि इस बक्से में से यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छ निकाला गया, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छ निकाला गया तो इस कंचे की प्रायिकता क्या होगी, इस कंचे की प्रायिकता क्या होगी यदि वह सफेद हो, यदि वह सफेद हो। तो देखो एनएस एनएस है ना, एनएस का मतलब टोटल कितनी कितने कंचे, टोटल कंचे कितने, टोटल कंचे गिनो, टोटल कंचे कितने हैं बताइए आप मुझे, टोटल कंचे कितने हैं? तीन तो नीले हैं, दो सफेद हैं और चार लाल हैं, तो नौ। वेरी गुड। और उसने पूछा कि कंचा कैसा हो, सफेद। कंचे के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब वाइट, नंबर ऑफ वाइट कंचा कितने हैं, दो। तो सूत्र लग जाएगा, सूत्र क्या है, सूत्र है पी डब्ल्यू वाइट होने की प्रायिकता, वाइट यानी सफेद, वाइट होने की प्रायिकता कितनी, एन डब्ल्यू बटे एन एस। बोले तो पी डब्ल्यू बराबर एन डब्ल्यू का मान दो और इसका नो, ये आंसर आपका आ गया। ये किसकी प्रायिकता है, कंचे के सफेद होने की, कंचे के सफेद होने की प्रायिकता आपके सामने है, कंचे के सफेद होने की प्रायिकता मैंने निकाल दी दो बटे नौ। अब कंचे के यदि प्रश्न आ जाए, संख्या यही हो और प्रश्न में यह पूछ ले कि कंचे के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कंचे के लाल होने की प्रायिकता कि कंचा लाल हो, तो ये देखो एन आर, एन आर कंचे के लाल, लाल कंचों की संख्या, रेड यानी लाल, रेड कंचों की संख्या कितनी है, चार। तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा, पी आर एन आर बटे एन एस बटे एन एस एस। तो ये हो जाएगा आपका पी आर बराबर आर बटे नौ, है ना। यहां तक आगे अब यहां पे बराबर करके आप इधर ही कर लो, एन आर कितना है, चार, और एन एस कितना है, नौ। ये चार बटे नौ उत्तर आएगा, ये कंचे के लाल होने की प्रायिकता निकल गई, कंचे के लाल होने की प्रायिकता पूछी तो ये कर डालो, दोनों पूछी तो दोनों कर डालो,
अगर वो ये पूछ ले कि कंचे के नीला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 3/9 हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीला बोले तो बिलू, नीला मतलब बिलू, तो नंबर ऑफ बिलू कंचा, नंबर ऑफ बिलू कंचा, बिलू कंचों की संख्या कितनी है? 3। सूत्र लगा देंगे, सूत्र से पीबी बराबर एन बी बटे एन, तो ये प्रायिकता बिलू होने की 3/9, 3/9। अगर ये कटे तो काट दो, और नहीं कटे तो मत काटो, नहीं काटोगे तो भी नंबर सही है। अगर बोले कि नहीं सर मैं अगर नहीं कटू नहीं काटू तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे को नंबर नहीं मिलेगा? मिलेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। जिसको नहीं काटना आता वो मत काटो, मगर जिसको काटना आता वो तो काटो। तो 3 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, एक ही पाड़े से कटना चाहिए। ऐसा कौन सा पाड़ा जिसमें 3 और 9 दोनों आते हैं? 3 का पाड़ा, 3 एकम 3 और ये 3 3 9, तो ये हो गया पीवी 1/3। और इस तरीके से ये आपका जवाब, ये सवाल आपका पूरा कंप्लीट। इसमें किसी को दिक्कत आई क्या इस सवाल को समझने में? 9th और 10th से पूछ रहा हूं, सरल के कठिन? सरल है प्रायिकता। मैं कह रहा हूं गणित ही सरल है, गणित ही सबसे सरल विषय है, मगर हम गंभीरता से नहीं लेते इसलिए कठिन लगता है।